Welcome dear students in RCI Education Hub Bansur online classes. Today we continue unit second part ether. In previous video we already see method of preparation of ether, that is two method used, laboratory method and Williamson synthesis method. Now we next part we today start chemical property of ether. केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर है उसको स्टार्ट करने वाले हैं और केमिकल जो प्रॉपर्टी ऑफ ईथर है उसमें स्टूडेंट्स ईथर के द्वारा फोर टाइप की रिएक्शंस दी जाती हैं. कितने टाइप की रिएक्शंस देता है? फोर टाइप की रिएक्शंस देता है. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो देखने वाले स्टूडेंट्स वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथाइल ग्रुप. दैट मीन्स कौन सी रिएक्शंस होंगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होंगी. और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती कैसे ये आप इसके अंदर देखेंगे. सबसे पहले अपन यूज करते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास में ईथर है CH3CH2O CH2CH3. ओके डेट इज डाई इथाइल ईथर. इसका नाम क्या है? डाई इथाइल ईथर है. और अगर अपन इसकी रिएक्शन कराएं किससे? हैलोजन से. फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं हैलोजन डेट इज Br2 किसका फॉर्मेशन होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें जो एल्फा पोजीशन होती है ये कौन सी पोजीशन कहलाती है? एल्फा कार्बन. ये कौन सा कहलाएगा? ये वाला कहलाएगा बीटा कार्बन. किसके रेस्पेक्ट में? ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में. जिसके ऊपर दो लोन पेयर प्रेजेंस होते हैं इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट जो कार्बन होता है वो कहलाता है एल्फा कार्बन. ये वाला कौन सा कार्बन है? एल्फा कार्बन. ये भी कौन सा कार्बन है? ये भी कौन सा कहलाएगा? एल्फा कार्बन. ये कौन सा कहलाएगा? ये वाला कहलाएगा बीटा कार्बन. ओके ये कहलाएगा बीटा कार्बन. दैट मीन्स एल्फा और बीटा कार्बन के अकॉर्डिंग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन होता कहाँ पर है. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो कहाँ पे होगा? एल्फा कार्बन के ऊपर होगा. दोनों तरफ एल्फा कार्बन प्रेजेंस है. एक एल्फा कार्बन पर क्या कराएंगे? सब्स्टिट्यूशन कराएंगे. दैट मीन्स यहाँ से अगर अपन एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और यहाँ से एक Br निकल जाए तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? HBr का फॉर्मेशन हो जाएगा. दैट मीन्स फर्स्ट वाले स्टेप में अगर देखें तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो गया? CH3CH और यहाँ पर मैंने H निकाल दिया, एक Br को जोड़ दिया, ये वाला O और यहाँ पर हो गया CH2 एंड CH3 पार्ट. ओके ये वाला कहलाता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड ईथर. ओके मोनो का मतलब एक Br अपन यहाँ पर जोड़ दिए हैं, यहाँ से एक H और यहाँ से क्या निकल गया? Br. दैट मीन्स माइनस HBr यहाँ से रिमूव हो चुका है. ओके नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या कर सकते हैं? दूसरे वाले एल्फा के ऊपर भी अपन क्या करा सकते हैं? एडिशन करा सकते हैं. डेट मीन्स अगर अगेन अपन Br2 को यूज कर ले तो दूसरे वाला मोल अपन ने Br2 का यूज कर लिया तो अब ये Br2 कहाँ जुड़ेगा? इस वाले कार्बन पे. डेट मीन्स इस एल्फा कार्बन पे ऐड हुआ और किसका फॉर्मेशन कर लेगा? CH3CH और यहाँ पे किसका आ गया? Br. ये वाला OCH और यहाँ पे कौन जुड़ गया? Br और ये वाला CH3. ओके ये कहलाएगा अपने पास में एल्फा और एल्फा में जुड़ रहे हैं क्या? एल्फा एल्फा डाई ब्रोमो है क्या? ये कहलाएगा डाई ब्रोमो. एल्फा एल्फा डाई ब्रोमो कौन सा इतर है? डाई इथाइल इतर. कौन से वाला इतर है? डाई इथाइल इतर अपन ने इसको यूज किया. ओके ये वाला तो प्रोसेस है. ये कौन सा कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से अपने देखा इतर अगर अपन यूज करते हैं डाई इथाइल इतर को यूज करते हैं Br2 को आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं एक मोल तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्फा वाला कार्बन दो है. एक एल्फा ये रहा एक एल्फा वाला कार्बन ये रहा. दोनों एल्फा में फर्स्ट वाले जो एल्फा होता है उसके ऊपर क्या होता है? हैलाइड जुड़ जाते हैं. ये हैलाइड आपने यहाँ पर जोड़ दिया है. इसके साथ में यहाँ से एच निकल गए हैं और यहाँ से एक Br निकल गया. किसका फॉर्मेशन हो गया? HBr का फॉर्मेशन हो गया. ऐसे ही सेकेंड अपने यूज किया Br2 ये वाला मोल सेम इसी की तरह होगा. इस वाले अल्फा से निकलेगा. जैसे अल्फा से एक हाइड्रोजन निकल रहा है इसका फॉर्मेशन हो गया Br वापस ऐड हो गया. ये कहलाता है अल्फा और अल्फा पे जुड़ा हुआ. इसलिए नाम क्या हो गया? अल्फा अल्फा डाई ब्रोमो डाई इथाइल इसका फॉर्मेशन अपन ने कर दिया. ये वाला जो कहलाता है ये केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट है. कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है? ये वाली प्रॉपर्टी कहलाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ डाई इथाइल ईथर. ओके सेकंड वाले जो अपन देखने वाले हैं वो केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो होती है देखिए आप इसके बेस पर उसको स्टडी करेंगे. सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है वो सेकंड प्रॉपर्टी है लोन पेयर की प्रेजेंस. उसकी प्रेजेंस लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण होती है. देखिए सेकंड टाइप की रिएक्शन है
प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ ईथर ऑक्सीजन, कौन से वाला ईथर का ऑक्सीजन जो एटम है उसके कारण होती है, ऑक्सीजन एटम के लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण है। तो ये सब्सक्राइब की रिएक्शन है। देखो अपन ने यहां पर लिखा था आर ओ आर, ये क्या है ईथर, ईथर है, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर पाए जाते हैं, दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। ओके अब दो जो लोन पेयर हैं, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूं इससे, जस्ट लाइक मैंने रिएक्शन करा दी इसकी ओजोन से, या मैंने रिएक्शन करा दी इसकी किससे, ऑक्सीजन मोलिक्यूल से रिएक्शन करा दी, दैट मीन्स इस वाले रिएक्शन में अगर इससे रिएक्शन कराते हैं तो दैट मीन्स इस कंडीशन में ये जो लोन पेयर होते हैं ये डोनेट किए जाते हैं, किए जाते हैं, डोनेट करते हैं। डोनेट किसको करेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या पाई जाएगी, डिफिशियंसी पाई जाएगी। इस कंडीशन में इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाता है आर ओ आर, और ये वाला क्या है लोन पेयर, एक लोन पेयर डोनेट करता है, तो इसलिए कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ए के डायरेक्शन में जो बॉन्ड बनता है कौन सा कहलाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ओजोन में ऑक्सीजन में जुड़ने वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ओ होता है, डेट मीन्स इस वाले के पास ऑलरेडी पहले से कितने इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी प्रेजेंट थे, एक लोन पेयर इसने इसको डोनेट कर दिया इस ऑक्सीजन ने, तो इसके ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कंप्लीट ऑक्टेट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं। डेट मीन्स ये वाला आपको जो पास फॉर्मेशन कहला है, ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरह बनता है। डेट मीन्स अपन ने क्या यूज किया, अपन ने इसमें यूज किया डाइथाइल ईथर परोक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया। दैट मीन्स ये था अपने पास में ईथर, और ईथर की अपन ने रिएक्शन किससे कराई, ईथर की अपन ने जो रिएक्शन कराई है वो किससे कराई है, इसका ओजोनीकरण कराया है, ओजोनीकरण होने के फलस्वरूप क्या हो गया, ओजोन का ये हो गया, ये कहलाता है डाइथाइल परोक्साइड, ये आपके पास में क्या बन गया परोक्साइड। दैट मीन्स इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो गया आर ओ ओ आर, और ये आर ओ आर क्या कहलाता है, परोक्साइड कहलाता है। ओके ये मेथड कौन सा है, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण जो होने वाली रिएक्शन है ईथर की, कौन सी कहलाती है, सेकंड टाइप की रिएक्शन कहलाती है। ओके नेक्स्ट वी सी द थर्ड टाइप रिएक्शन, थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है उनको अपन देखने वाले हैं, और थर्ड टाइप की रिएक्शन कौन सी रहेंगी देखिए आप, तीसरे टाइप की जो रिएक्शन है वो है स्टूडेंट इसमें ईथर की क्लीवेज, क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड, सीओ बॉन्ड का क्लीवेज कैसे होगा वो रिएक्शन अपने को करानी है। दैट मीन्स जो अपन ईथर बनाते हैं उसमें सीओ बॉन्ड का ब्रेक होता कैसे, वो वाली रिएक्शन अपने इसमें करने वाले, और ये वाली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों है देखिए आप, इस वाले रिएक्शन में अगर बात करें तो सीओ बॉन्ड टूटता कहां से, ये वाला सी एस थ्री, ये ओ, और ये वाला क्या है सी एस थ्री। ओके ईथर अपन ने यूज किया, यहां पर कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, यहां भी कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, या तो ये बॉन्ड वाला ब्रेक करेंगे या ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे। डेट मीन्स कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। इससे रिएक्शन होती कैसे, इस वाली रिएक्शन में बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इस टाइप की जो भी अपन इसके अंदर जोड़ने वाले हैं एडिशन करने वाला है कोई भी कंपाउंड से रिएक्शन करेगा, जैसे एल्किल हैलाइड HX, उसमें H वाला पार्ट कहां जुड़ेगा और X वाला पार्ट कहां पे जुड़ेगा वो अपन देखने वाले हैं। दैट मीन्स अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं स्टूडेंट किससे, एल्किल हैलाइड, दैट इज एल्किल हैलाइड। ओके अब इस एल्किल हैलाइड में आप देखिए ये वाला पार्ट कौन सा है पॉजिटिव, ये वाला पार्ट कौन सा है नेगेटिव, अब कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे सी और ओ वाला बॉन्ड, मैंने सी एस थ्री ओ सी एस थ्री में से ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया। दैट मीन्स एक वाले पार्ट में क्या आ गया मेरे पास में सी एस थ्री और ओ, ओके ये हो गया ओ नेगेटिव, इधर क्या जुड़ गया मेरे पास में ये आ गया सी एस थ्री प्लस, ये वाले दो बन गए। अब देखो इस वाले पार्ट में कौन कहां जुड़ेगा, सी एस थ्री में से एक्स पार्ट है तो कहाँ जुड़ेगा इसके पास, डेट मीन्स ओ नेगेटिव था तो क्या हो गया एच जुड़ने के बाद एच प्लस, एक्स वाला कहाँ जुड़ जाएगा इसके पास, ये क्या बन गया
दैट मींस कि एक तो क्या बन जाता अपने पास में अल्कोहल, इसका फॉर्मेशन हो गया, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, और दूसरा क्या बन जाएगा आपके पास में एल्काइल हैलाइड, क्या बन जाएगा एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। दैट मींस अपन दो टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिसके अंदर CO बॉन्ड का अगर ब्रेक होता है तो दो टाइप की रिएक्शन होती है। मोस्टली एल्किल हैलाइड में H कहाँ जुड़ेगा और X कहाँ जुड़ेगा ये अपन डिसाइड करने के लिए मोस्टली एक मेथड यूज करते हैं, उस मेथड का नाम क्या है वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कौन सा मेथड अपन यहाँ पर यूज करेंगे। देखो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कौन से वाले पार्ट पे H जोड़ना है, कौन से वाले पार्ट पे X जोड़ना है। अपन ने देखा इथर जो होता है वो एक ही टाइप का है, अगर अपन यूज करते हैं डिफरेंट टाइप की इथर, जैसे मैं कहा इस टाइप का C2H5O और CH3, देखो किस टाइप का इथर है, एक तरफ दो कार्बन है एक तरफ वन कार्बन है, अब कौन से वाला बॉन्ड तोड़े, पहली प्रायोरिटी अपने पास में रहती है कि अपन ये बॉन्ड तोड़े, दूसरी प्रायोरिटी रहती है अपने पास में ये बॉन्ड तोड़े, और किससे रिएक्शन कराएं इसकी, इसकी अपन रिएक्शन कराएं एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं। तो आप देखिए इस वाले में अगर मैं इस वाले बॉन्ड को तोड़ता हूँ देखिए क्या बनता है, इस वाले खोल के लिखो तो ऐसे लिख सकता हूँ CH3CH2 ये वाला, और ये है OCH3, ये कितने डिग्री कार्बन है 1 डिग्री कार्बन, कितना डिग्री कार्बन है 1 डिग्री कार्बन। दैट मीन्स जो 1 डिग्री कार्बन अगर अपन यूज करते हैं वो एक अपने पास में है ये वाला पार्ट जिसमें कार्बन की संख्या एक है, इसमें कार्बन कितने 2 कार्बन से। ऑलवेज जिसेस मेथड जो होता है, जिसेस मेथड है उसको अपन यहाँ पर यूज करते हैं, और जिसेस मेथड में क्या होता है जिसेल जो मेथड होता है उस जिसेल मेथड के अकॉर्डिंग यूज करना है कि कौन से वाले CO बॉन्ड को ब्रेक करोगे वो कौन डिसाइड करेगा, ये करेगा जिसेल मेथड। जिसेल मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आपको 1 डिग्री कार्बन दे रखा है और अगर आपको 2 डिग्री कार्बन हैं, अगर आपके पास में 3 डिग्री कार्बन हैं, तो तीनों से किसका फॉर्मेशन करोगे वो देखिए आप। 1 डिग्री वाला जो कार्बन है उसके साथ में तो आपको बनाना है अल्कोहल, क्या बनाएंगे अल्कोहल, डेट मीन्स उसके साथ क्या जोड़ना है ऑक्सीजन के हाइड्रोजन, और अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड का अपन यूज कर रहे हैं तब अपने को क्या बनाना है उसका हैलाइड बनाना है, क्या बनाना है हैलाइड का फॉर्मेशन करना है। तो ऑलरेडी अपन देख चुके हैं दो कंडीशन हो गई, 1 डिग्री कार्बन है तब तो क्या बनाएंगे अल्कोहल बनाएंगे, यानी इस वाले का 1 डिग्री के साथ तो कौन जुड़ेगा ऑक्सीजन जाएगा तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, और बाकी जो बच गए के साथ कौन जुड़ेगा हैलाइड जुड़ेगा। दैट मीन्स अगर मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से इस वाले में अपन देखें तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक करोगे, इस वाले में देखें तो 1 डिग्री है क्या, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा ये इसके साथ जाएगा, डेट मीन्स इस कंडीशन में आपको मिल जाएगा यहाँ से C2H5O, इसके साथ कौन जुड़ेगा H प्लस रिमेनिंग कौन रह गया CH3, CH3 के साथ में किसका एडिशन हो जाएगा X का एडिशन हो जाएगा। ओके ये वाली जो रिएक्शन है ये जिसेल मेथड के बेस पर ही स्टडी की जाती है। तो जिसेल मेथड जो होता है वो किस लिए यूज होता है, अगर अपने पास यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री हैलाइड्स बनाने हैं तो इसके लिए यूज करेंगे अपन, किस मेथड को अपन यूज करने वाले हैं। जस्ट लाइक अगर मैं दूसरा एग्जांपल इसका देखता हूँ तो आपको मालूम चल जाएगा कि इसमें कौन से टाइप की रिएक्शन कैसे होती हैं। ठीक है तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं कौन से टाइप की रिएक्शन अपन कैसे कराते हैं, ये जिसेल मेथड है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पुट अप होने का चांस है कि अल्कोहल कैसे बनाओगे अल्कोहल को तोड़ोगे कैसे। देखिए आप इस वाले मेथड में एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, अपने को डिसाइड करना है कौन से वाले में क्या बनाना है। जैसे मैं यूज कर रहा हूँ CH3, CCH3 और CH3O CH3, ये मैंने यहाँ पर यूज किया है टर्सरी ईथर का डेरिवेटिव है, और टर्सरी ईथर के डेरिवेटिव की मैं रिएक्शन करा रहा हूँ HX से, किससे रिएक्शन करा रहा हूँ एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा रहा हूँ। ठीक है X बराबर क्या यूज कर सकते हो, क्लोरीन यूज कर सकते हो, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सभी अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके अब इस वाले में देखिए CH3 वाला अगर रिएक्शन करेगा किससे HX से, H वाला पार्ट कहाँ जोड़े और X वाला पार्ट अपन कहाँ पे जोड़ने वाले हैं वो प्रायोरिटी अपनी सबसे बड़ी रहेगी। इस वाले मेथड में देखें तो कौन सी रिएक्शन हो सकती है, 3 डिग्री हैलाइड है कौन सी रिएक्शन देगा, इस बॉन्ड को अगर मैं यहाँ से ब्रेक कर देता हूँ इस बॉन्ड को यहाँ से, दैट मीन्स
कम कार्बन वाले पार्ट के साथ में ऑक्सीजन को लेके जाना है, इसके साथ में लेके जाना है, जिसकी तरफ कम कार्बन है उसी तरफ से ऑक्सीजन एटम को लेके जाएंगे और उसी तरफ क्या बनेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और जिसमें कार्बन का नंबर ज्यादा है, मोर कार्बन है, उसको क्या बनाएंगे अपन, एक्स वाले पार्ट को उसमें ऐड करेंगे। दैट मीन्स इस वाले में देखें तो 3 डिग्री कार्बन है, क्या कितना डिग्री कार्बन है, दैट इज 3 डिग्री कार्बन। और 3 डिग्री कार्बन है तो इस वाले में से ये वाला पार्ट एच प्लस है, ये वाला पार्ट कौन सा है, एच नेगेटिव है। तो दोनों पार्ट में कौन कहाँ जुड़ने वाला है, देखिए आप यहाँ पर इस वाले पार्ट में देखिए, जहाँ 3 डिग्री होता है उस 3 डिग्री वाले कार्बन से तो अपन बनाते हैं क्या, हैलाइड। क्या बनाएंगे, हैलाइड बनाएंगे। और जो रिमेनिंग जो कार्बन रह गया उस कार्बन से अपन क्या बनाएंगे, एल्कोहल। क्या बनाएंगे, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर। देखिए इसके प्रोडक्ट क्या होंगे, इस वाले बेस पे अपन देखें तो यहाँ पर है 3 डिग्री कार्बन पे तो कौन जुड़ेगा, एक्स। दैट मीन्स यहाँ पर क्या बन गया अपने पास में, एक्स। तो ये तो बन गया 3 डिग्री कार्बन से क्या, हैलाइड। रिमेनिंग कौन रह गया, CH3 CH3O, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। दैट मीन्स यहाँ बन गया एल्कोहल। तो दो प्रोडक्ट यहाँ पर बनते हैं, फर्स्ट वाला प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, 3 डिग्री वाला। अगर अपन कार्बन के रेस्पेक्ट में देखें इस वाले बॉन्ड को अपन कहाँ से तोड़े, दो कंडीशन है, अपन यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है और सेकंड कंडीशन अपने पास में ये है। फर्स्ट कंडीशन कौन सी यूज करनी है आपको, कंडीशन इसमें जो यूज करना है वो सेल मेथड के बेस पे यूज करना है। इफ गिवन इन 3 डिग्री कार्बन देन SN1 रिएक्शन टेक प्लेस। कौन सी रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन होगी। और SN1 रिएक्शन वहां पर फास्ट होती है 3 डिग्री हैलाइड्स के अंदर। कौन से वाले हैलाइड्स में, 3 डिग्री हैलाइड्स, 2 डिग्री हैलाइड्स और 1 डिग्री हैलाइड। ऑलरेडी आप यूनिट नंबर फर्स्ट में ये देख चुके हो हैलाइड की रिएक्टिविटी। ओके, ये ऑर्डर आपको फॉलो करना है, उसी बेस में यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। अगर अपन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर एच जुड़ेगा तो एल्कोहल बन जाएगा, ये नहीं होगा। 3 डिग्री हैलाइड जो होगा वो यहाँ से टूटेगा और हैलाइड का फॉर्मेशन करेगा ये वाला इथर। दैट मीन्स ये वाला मेथड यहाँ से यूज नहीं आएगा, कंडीशन ये अप्लाई करेंगे, यहाँ से बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा और इस वाले में एक्स पार्ट यहाँ 3 डिग्री पे जुड़ेगा और CH3 के साथ में कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन वाला पार्ट, ये एल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। दैट मीन्स ये प्रोडक्ट जो बनते हैं ये कौन सा कहलाता है अपने पास में, ये कहलाती है सेकंड थर्ड टाइप की रिएक्शन। थी किसकी प्रेजेंस में, जिसेल मेथड को यूज करते हुए अगर आपको मिक्स ईथर दे रखे हैं, कौन से टाइप के ईथर दे रखे, मिक्स टाइप के ईथर दे रखे हैं, तो कहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, सी और ओ में से कौन से वाला, सी और ओ वाला बॉन्ड टूटेगा, सी और ये टूटेगा, ये वाला ये बॉन्ड ब्रेक होगा, वो डिसाइड कौन करेगा, जिसेल मेथड। अगर 1 डिग्री हैलाइड है, 1 डिग्री कार्बन है तो उससे क्या बनाएंगे, 2 डिग्री कार्बन है उससे क्या बनाएंगे, और 3 डिग्री कार्बन है तो क्या बनाएंगे, 3 डिग्री कार्बन है तो अपन उस पर हैलाइड जोड़ेंगे और बाकी अपने पॉवर दे रखा 1 डिग्री तो उससे क्या बनाएंगे, अपन एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, ये मेथड कौन सा कहलाता है, CO बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड कहलाता है। ये थर्ड टाइप की रिएक्शन अपने पास में थी। ओके, थर्ड टाइप की रिएक्शन अपने इसमें देखी केमिकल प्रॉपर्टीज की, ये थर्ड टाइप की केमिकल रिएक्शन थी। और लास्ट अपन जो इसमें देखने वाले हैं वो लास्ट रिएक्शन है, और लास्ट रिएक्शन जो अपने पास में है वो किसकी प्रेजेंस के कारण होगा, छोटी सी रिएक्शन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लास्ट है, फोर्थ टाइप की रिएक्शन हो, और ये रिएक्शन है रिडक्शन। क्या कहलाएगा, लास्ट रिएक्शन है इसकी रिडक्शन। क्या कराएंगे इसका, रिडक्शन कराएंगे। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना। जैसे मैं कह रहा हूँ CH3 CH2O CH2 और CH3, ये आपके पास में क्या है, ईथर। क्या है ये, ईथर। और ईथर वाले में अगर उसका रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन का मतलब क्या हो गया, अपन इसमें यूज करेंगे क्या, हाइड्रोजन। और जहां भी हाइड्रोजन आता है वहां कैटलिस्ट यूज करते हैं मोस्टली। इस रिएक्शन में अपन कैटलिस्ट क्या यूज करेंगे, लिक्विड अमोनिया को यूज किया गया है। किसको यूज किया गया है, लिक्विड अमोनिया को यूज किया गया है। दैट मींस इस वाले में यूज करने वाले हैं अपन लिथियम, और मीडियम जो कौन सा है, एक्वस, एक्वस अमोनिया को यूज करेंगे। हाइड्रोजन का एडिशन करना है, अब किस कंडीशन में होगा देखिए, दो कंडीशन है, मैं इस वाले बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर दूं। जैसे यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा इस वाले पार्ट में क्या बनेगा, CH3CH2। क्या बनेगा, CH3CH2। दैट मींस CH3CH2 और CH2 में एक हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या बन जाएगा, CH3। ओके, और इस वाले में एक हाइड्रोजन यहां पे जोड़ दो CH3CH2O, और यहां से हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, क्या बनेगा,
CH3CH2OH. That means एक तो आपके पास में क्या बन जाती है, एथेन, इसका फॉर्मेशन हो गया, एथेन का फॉर्मेशन हो गया, और सेकंड क्या बन गया आपके पास में, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो रिडक्शन का मतलब है अल्कोहल में से बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों तरफ क्या जोड़ना आपको, हाइड्रोजन जोड़ने, इधर हाइड्रोजन आपने एक जोड़ा CH3CH3 हो गया, इस वाले डायरेक्शन में हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ओ के साथ में जैसे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये अपन ने मोस्टली देखा है चार टाइप की रिएक्शन देता है कौन, ईथर। कितने टाइप की हैं, फोर टाइप की रिएक्शन हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट वाले अपन ने देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद कौन सी देखी अपन ने, अपन ने देखा लोन पेयर की प्रेजेंस ऑक्सीजन के ऊपर, वो वाली रिएक्शन थी, और तीसरी अपन ने देखी कौन सी वाली रिएक्शन थी, CO बॉन्ड को कैसे ब्रेक करते हैं, और मोस्टली इसमें जिसेल मेथड कैसे यूज किया जाता है। 3 डिग्री कार्बन क्या बनाएगा, हैलाइड बनाता है, 1 डिग्री क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। ओके, वो मेथड यूज किया, लास्ट में अपन ने किया रिडक्शन वाला प्रोसेस। तो ये चार टाइप की रिएक्शन थी, इस रिएक्शन के साथ ही अपना ईथर वाला जो पार्ट था यूनिट नंबर सेकेंड का जो रिमेनिंग पार्ट था, स्टार्टिंग अल्कोहल था, उसके बाद अपन ने फिनोल है कंप्लीट किया है, और फिनोल कंप्लीट होने के बाद ये ईथर वाला पार्ट बच रहा था जिसमें अपन ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा है दो में लास्ट वाली वीडियोस में, और लास्ट ये अपना वीडियो था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर के अंदर, जो आज अपन ने एंड कर दिया। नेक्स्ट वाले के अंदर अपन स्टार्ट करने वाले हैं जो ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, किसके अंदर, ऑफलाइन क्लास में अपन ने देखा था, कौन से वाले में, कार्बोनाइल जो कंपाउंड था उसको अपन ऑलरेडी स्टार्ट करेंगे, कर चुके हैं, उसी केमिकल प्रॉपर्टी जो चल रही थी कंटिन्यू, उन्हीं के अंदर अपने को नेक्स्ट वाला पार्ट रहेगा। ओके, टुडे वी सी ईथर कंप्लीट है, इसी केमिकल प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट वाले अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड यूनिट नंबर 3 है, उसको अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।